News 18, India. वक्त की एक बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के आरोप के बाद ईडी मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई है और ईडी के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी के आरोप को जांच एजेंसी ने बहुत गंभीरता से ले लिया है और गलत बयानबाजी करने वालों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में जांच एजेंसी मामले में कानूनी सलाह ले रही है, ये भी जानकारी इस वक्त मिल गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता रहे हैं। शंकर आनंद ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, क्या और डिटेल है, बैठक हुई है इसमें और क्या चर्चा की गई, कानूनी सलाह लेने की बात सामने है? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कई तरह के जो इल्जाम लगाए गए, जिस तरह से आरोप की अगर बात करें वो आरोप बेहद गंभीर हैं। इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी ईडी के मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। और उस महत्वपूर्ण बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई है कि इस मामले पर आगे क्या किस तरह से कानूनी सलाह जो है वो लिया जा सकता है, इस मामले में किस तरह से आगे कार्रवाई की जा सकती है, इस मामले पर चर्चा हुई है। तो एक तरह से निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उस आरोप की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी को ऐसा लगता है कि यह आरोप गलत है, बेबुनियाद है और इस मामले पर एक ठोस कार्रवाई करने के लिए, ठोस तौर पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए उचित तरीके से कानूनी सलाह ली जा रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं, क्योंकि अब आपको ये बता दें कि कोर्ट का भी रुख किया जा सकता है, ये खबर मिल रही है। आम आदमी पार्टी के आरोप पर अब ईडी पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रही है। सूत्र ये है कि आम आदमी पार्टी के आरोपों पर अब कोर्ट का भी रुख किया जा सकता है। बेहद गंभीरता से इन आरोपों को लिया गया है, इसकी अब आगे कैसे कानूनी तौर पर आगे बढ़ा जा सकता है इसको लेकर अब मंथन चिंतन चल रहा है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जैसा हमारे सहयोगी शंकर आनंद भी जानकारी दे रहे थे कि इसको लेकर बाकायदा एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में अब हाई लेवल का जो डिस्कशन है वो किया गया है। आनंद तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए। आनंद, सबसे पहले आप ये बताइए, कोर्ट का रुख अगर किया जा सकता है इसके क्या मायने हैं, आने वाले दिनों में क्या हम कार्रवाई देख सकते हैं? देखिए, 7 तारीख को एक बड़ा दिन है, क्योंकि उस दिन कोर्ट में जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है ईडी ने, उस पर सुनवाई होना है। और जिस तरह से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर ईडी के अधिकारियों की एक बैठक हुई है और उनका कहना है कि ये ईडी की डिग्निटी पर सवाल खड़े किए गए हैं, ईडी निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच कर रही है और सारे आरोप बेबुनियाद है और इस पर ईडी जो है लीगल एक्शन लेके केस भी जो है वो दर्ज कर सकती है कोर्ट के अप्रोच से। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है, जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए गए हैं उस पर ईडी के अधिकारियों ने सिरे से इन तमाम आरोपों को खारिज किया और ये कहा है कि ईडी की डिग्निटी पे सवाल खड़े किए गए हैं, जो निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच कर रही है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और ऐसे में अब ईडी कानूनी सलाह ले रही है। जिस तरह की बयानबाजी ईडी को लेकर की गई है और उस पर सूत्र बता रहे हैं कि ईडी लीगल एक्शन लेके मुकदमा भी जो है वो दर्ज कर सकती है। बिल्कुल आनंद, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जब भी ईडी का बुलावा आता है इसी तरह के आरोप लगने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब इसको लेकर अब बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अब आपको ये भी जरा सुनवा देते हैं कि आखिर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ईडी पर आरोप क्या लगाए थे और जिसके बाद उन पर लीगल एक्शन लेने की इस वक्त तैयारी चल रही है। जब ईडी ने वो फुटेज दी तो उन्होंने उस फुटेज का ऑडियो डिलीट कर दिया, सिर्फ वीडियो फुटेज दी गई, ऑडियो फुटेज डिलीट कर दी गई और सारा एविडेंस कि वास्तविक तौर पे उस कमरे में क्या बात हुई थी, उस सारे एविडेंस को ईडी द्वारा डिलीट कर दिया गया। क्योंकि अगर ऑडियो और वीडियो फुटेज नहीं होगी तो यह सबूत नहीं बचेगा कि क्या किसी विटनेस को डराया गया, क्या किसी विटनेस को धमकाया गया। जो विटनेस ने बोला और जो कागज में लिखा गया, क्या वो एक ही चीज है या वो अलग अलग चीज है? आतिशी जी, आज एक फिर आप मनोहर कहानी लेके मीडिया के सामने आए और अपने आप को दिखाने की कोशिश की, मैं सनसनीखेज आरोप लगा रही हूं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा आतिशी जी आपसे, तो इधर उधर की बात मत कर, ये बता
मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही है। 300 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल का जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में आज तक एक शब्द नहीं बोला आपने, ऑडियो डिलीट कर दिया। आपको मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति मानता हूँ, पता नहीं आपकी बुद्धि मत कहाँ जा रही है। ईडी अपने केस को खुद वो करेगी, अल्टीमेटली फैसला जो है वो कोर्ट ने करना है, ईडी ने नहीं करना। तो इसलिए अगर कोर्ट कुछ भी सबूत डिलीट करता है तो ईडी कोर्ट उसको संज्ञान लेगा ना। और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी की रेड के बाद पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी ईडी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि उनके पास सॉलिड आधार है, तभी उन्होंने कोर्ट के सामने एप्लीकेशन मूव की है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ जी, उनसे बात करते हैं। मैम, ईडी ने आपके आरोपों को गंभीरता से लिया, वो बैठक कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमने कल ही एप्लीकेशन भी मूव की है कोर्ट में कि सारे ऑडियो और वीडियो कोर्ट के समक्ष रखे जाएं, क्योंकि हमें पता चला है कि हर जगह से ऑडियो डिलीट कर दिया गया है। अब आप देखिए, पूरा का पूरा केस आज तक 2 साल हो गए, 2 साल में हमारे किसी भी नेता से कोई चवन्नी नहीं मिली, कितनी रेड कर ली इन्होंने। उसके बाद अब पूरा का पूरा केस अगर बयानों पर आधारित है और इतने गंभीर आरोप हैं कि ऑडियो डिलीट करे जा रहे हैं बयानों से और ईडी रिटर्न में कुछ और सबमिट कर रही है कोर्ट के आगे, तो ये तो बेहद संगीन मामला बनता है ईडी के अगेंस्ट। और अब इसी से जुड़ी हुई एक और अहम जानकारी आपको दे दें, ईडी के सेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर दिखाई दे रही है। उनका कहना यह है कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उससे एक एक पाई वसूल कर ली जाएगी। देखिए, विडंबना ये है कि कोई भी पूछताछ होती है अब तो लोग इसको मीडिया का शो बना देते हैं और मीडिया का शो बना के अपने को निरपराध, अपने को बिल्कुल मासूम सा बना लेते हैं। ये काम उनको न्यायालय पे छोड़ना चाहिए, अगर कोई गलत कर रहा है तो न्यायालय उसके बारे में कार्रवाई करेगा, निष्पक्ष है हमारा न्यायालय। लेकिन उनकी मंत्री लेकिन है। अगर कोई ये सोचे कि ईडी, ये पुलिस, ये सीबीआई ये फूल बरसाने के लिए है, ये प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए, स्नेह देने के लिए है, तो इसके लिए नहीं है। इनका काम है जांच करना, इनका काम है भ्रष्टाचार को रोकना, इनका काम है अपराध पर अंकुश लगाना। और अगर ये अपना काम कर रहे हैं तो इसमें सरकार का रोल कौन सा है? ये अगर काम ना करेंगे कहीं पर तो सरकार का रोल होता है कि ये नाकामी सरकार, ये काम नहीं कर रहे हो, ये नकाना है। अरविंद केजरीवाल, उनके सभी साथी, ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है और जांच एजेंसी जो अपना काम कर रही है, ये सही मायनों में भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि सरकारी खजाने से लूटी गई एक एक पाई वसूली जाएगी, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाले में भ्रष्टाचार किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, जल बोर्ड में घोटाला किया है, तो आज जो ये कार्रवाई चल रही है, एक बार जाँच एजेंसी की रिपोर्ट आनी चाहिए, उसके बाद तथ्य सामने आएंगे। लेकिन इस जांच का हम स्वागत करते हैं। ईडी अपना काम कर रही है, प्रूफ है, जाइए कोर्ट में, जाइए कोर्ट में जाके सबूत दीजिएगा, आप छूट जाएंगे, बच जाएंगे। क्यों बचे, क्यों छुप रहे हैं, क्यों डर रहे हैं ईडी से भाई आप? और आपके इतने बड़े बड़े नेता हैं जेल में पड़े हुए हैं, अगर इतने साफ सुथरे तो जमानत क्यों नहीं होगी उनको? और आपको डर क्यों लग रहा है? क्यों केजरीवाल ने सर्वे कराया है कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा या बाहर से चलाऊंगा? उसको मालूम था ना गुनाह किया है, जेल में जाने वाला है, और उस डर से सारा ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उससे बचने के लिए सारे नाटक और ड्रामा कर रहे हैं। ये समझ के चल रहे हैं, जिसने गुनाह किया है वो बचेगा नहीं, चाहे कितना भी ड्रामा कर ले।